नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुगनी देवी जमीन मामले की। सुगनी देवी जमीन मामले में 3 साल बाद वो क्षण आ ही गया जिसका इंतजार रमेश मंदला विरोधी पूर्व मंत्री और याचिकाकर्ता सुरेश सेठ को था। चालान पेश होने के साथ ही बीजेपी विधायक मेंदुला के साथ साथ 16 आरोपियों को जमानत तो मिल गई, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान मेंदुला पूरी तरह से संयमित ही नजर आए। अब क्या बीजेपी क्या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में मेंदुला मामले को लेकर नफे नुकसान की चर्चाएं की जा रही है। इस बीच मेंदुला समर्थकों का कहना है कि दादा फिर दमदारी से मैदान में डटेंगे, जबकि विरोधी है कि उनके बारे में रेस्ट लेने जैसी भी चर्चाएं करने लगे हैं। वैसे कुछ राजनीतिकारों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो मामला 3 सालों से टल रहा था आखिर वो चुनाव से 3 माह पहले कैसे हाइप पकड़ गया। सुगनी देवी जमीन घोटाले का मामला बीजेपी विधायक रमेश मेंदुला के राजनीतिक करियर को कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा। विशेष कोर्ट में चालान पेश होने के साथ ही राजनीति के गलियारों में ये चर्चा भी शुरू हो गई है। मामला जितना साफ साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है उतना साफ है या नहीं, इस पर भी जमकर बहस हो रही है। बीजेपी विधायक के खिलाफ चालान पेश होने के साथ ही उन्हें न्यायालय ने 1,00,000 रुपए की जमानत दी व मुचलके पर रिहा भी कर दिया, लेकिन इस केस में पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में वे पूरी तरह से संयमित दिखाई दिए। लोकायुक्त पुलिस से मिली चिट्ठी के बाद मेंदुला सभापति राजेंद्र राठौर और अपने विश्वस्त कहे जाने वाले करीब दर्जन भर लोगों के साथ स्पेशल कोर्ट पहुंचे। उन्होंने न्यायालयीन कार्रवाई का असर भले ही अपने मुख मुद्रा पर नहीं पड़ने दिया, लेकिन शहर भर के गलियारों में सुगनी देवी जमीन घोटाले में चल रही कार्रवाई की जमकर चर्चा की जा रही है। मेंदुला भले ही पूरी कार्रवाई को सामान्य कहकर आगे चल दिए हों, लेकिन राजनीति के गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य करार देने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। मेंदुला समर्थक मानते हैं कि दादा दयालु हैं, फिर भी दमदारी से काम करते दिखाई देंगे। वैसे पार्टी के गलियारों में ही दो तरह की चर्चा सामने आ रही है। कोई उनके रेस्ट लेने पर जोर दे रहा है तो कोई ये भी कह सकता है कि उन्हें संगठन स्तर पर पार्टी सक्रिय कर सकती है। कुल मिलाकर 3 साल बाद पेश हुए चालान ने मेंदुला की तेज चाल राजनीति के सामने स्पीड ब्रेकर तो जरूर लगा दिया है। अब कांग्रेस पूरे मामले को भुनाने के काम में लग गई है। वैसे सुगनी देवी जमीन घोटाले में भले ही चालान पेश हो गया हो, लेकिन मेंदुला जनप्रतिनिधि के बतौर कोर्ट से निकलते ही सक्रिय हो गए। कोर्ट के गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि मेंदुला के खिलाफ चालान पेश होगा तो उनके समर्थक परिसर में भीड़ लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दौरान मेंदुला अकेले ही पहुंचे। उनके साथ सिर्फ वे लोग थे जिनका साथ ऐसे मामलों में मेंदुला के साथ हमेशा देखा गया है। मेंदुला ने कोर्ट कार्रवाई के दौरान ऐसा कोई नया मोर्चा नहीं खोला जिससे वो कोर्ट या मीडिया के निशाने पर आए। अब मेंदुला फिर सहज होकर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर शहर से लेकर राजधानी तक चर्चा का बाजार गर्म है। क्या शिवराज के राज में खेती अब लाभ का धंधा नहीं? कांग्रेस के आरोपों पर भरोसा करे तो इसमें सच्चाई झलकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने किसान मुख्यमंत्री के लाभ के धंधे को अब मौत का फंदा बताना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी कांति का कहना है कि शिव के राज में 11,000 किसानों ने आत्महत्या की है। अब जब से भूरिया की जुबान से ये नुकीला तीर चला है, बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर सरकार की ढाल बन खड़े हो गए। तोमर का कहना है कि कांग्रेस किसानों की मौत पर राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के गलियारों में तीर के निशान पर लगने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अभी देखो अध्यक्ष जी समय समय पर कैसे कैसे तीर छोड़ते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को भोला भंडारी कहते नहीं थकते, लेकिन कांग्रेस के ये शिवशंकर बीजेपी पर अब हमले करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के ये भोले भंडारी खुद पर लटक रही तलवार के हटते ही फिर पूरे जोश के साथ वहां सक्रिय हो गए हैं जहां उन्हें सक्रियता दिखाना है। भूरिया जब 2 दिन तक खुद के इलाके में रहे तो उन्होंने बीजेपी पर सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाने साधे। भूरिया के चलातीर में वो बयान सबसे ज्यादा चुभीला कहा जा रहा है जिसमें भूरिया ने कहा कि शिवराज सिंह की सरकार में खेती अब लाभ का धंधा बनने के बजाय मौत का धंधा बन गई है। अब तक 11,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भूरिया का ये कहा जैसे ही सुर्खी बना। बीजेपी को इस भोले भंडारी में कांग्रेसी लीडर दिखाई देने लगा है। तुरंत ही बीजेपी के कप्तान मुन्ना भैया मैदान में आए और कह बैठे किसानों की मौत पर चुनावी रणनीति कर रही है कांग्रेस।
तोमर साहब ने तो भूरे की कही बात को तथ्यहीन और तर्कहीन करार दे दिया, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेसी गलियारों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की वाहवाही हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भूरिया जी बस ऐसे ही दमदारी से लगे रहो। अब देखना ये होगा कि भूरिया अगला बम कब और कहां फोड़ते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 50% टिकट महिलाओं को दिए जाने की बात कहकर एकाएक मौन हो गए, लेकिन अब महिला मोर्चा खुद होकर हर जिले में एक टिकट की दावेदारी करेगा। वैसे इंदौर जिले पर इसका असर नहीं के बराबर रहने वाला है, फिर भी महिला मोर्चा की दावेदारी से खासकर महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी टिकट झपटने में अपने आप को मजबूत पा रही है। ऐसे में महिला मोर्चा चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के मुंह से निकली बात अब महिला मोर्चा ने मानो पकड़ सी ली है। महिला मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही मन में ये तय कर चुके हैं कि ज्यादा विवादित स्थिति रही तो 50% टिकट महिलाओं को बांट दिए जाने से पार्टी को एक नया स्वरूप दिया जा सकता है। हालांकि मुखिया जी ये बात बोलकर मौन हो गए, लेकिन अब महिला मोर्चा ने अपने बूते ये तय कर लिया है कि वो हर जिले में एक टिकट की दावेदारी तो अवश्य ही करेगा। मोर्चा ने फिर ये तय किया कि ये टिकट उन महिला नेत्रियों के लिए मांगे जाएंगे जिनमें चुनाव जीतने का मादा हो। हालांकि मोर्चा ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर उसने इसके लिए पहले कोई सर्वे कराया है जिससे ये पता लगाया जा सके कि पार्टी की महिलाएं कौन कौन से जिले में सशक्त है और टिकट दिए जाने पर वो मैदान मार सकती है। वैसे महिला मोर्चा के विधानसभा चुनाव से पहले दावेदारी करने पर पार्टी संगठन का ध्यान यकायक ही महिला मोर्चा की ओर खींच सा गया है। संगठन को लग रहा है कि जब पार्टी खुद ही महिलाओं को लेकर संजीदगी बरत रही है, ऐसे में दावेदारी करना कहां तक उचित है। वैसे मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अब जल्द ही आगामी चुनावी बेला का आगाज करते हुए पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल पड़ेगी ताकि चुनावी माहौल तैयार किया जा सके। यदि किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार में 14 साल से कम उम्र के बच्चों का उपयोग हुआ तो चुनाव आयोग की उस दल पर वक्र दृष्टि डालना तय है। आयोग इसे लेकर अभी से सजग और बेहद गंभीर नजर आ रहा है। आयोग ने चिट्ठी भेज यह संदेश राजनीतिक दलों तक पहुंचाने का काम जिला कलेक्टरों यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दे दिया है। अब इस आशय की जानकारी राजनीतिक दलों के कानों तक पहुंचने के बाद राजनीतिक दलों को इस चुनाव में भारी एहतियात बरतना पड़ेगी, वरना बच्चा दिखा नहीं कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की पेशी तय समझो। प्रदेश भर में नवंबर में चुनावी माहौल गरमाएगा। इधर चुनाव मैदान में उतरने वाली पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर इस चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतरने से पहले दिन रात होमवर्क कर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं अब भारत निर्वाचन आयोग ने भी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को अंतिम रूप देने के साथ साथ राजनीतिक दलों को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। आयोग ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि चुनाव में बच्चों के उपयोग बेहद आपत्तिजनक है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार या अन्य प्रक्रिया में बच्चों का उपयोग करता है तो उस पर आयोग अपनी वक्र दृष्टि डालेगा। राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आयोग की मंशा का किसी भी हाल में उल्लंघन न हो, वरना राजनीतिक दल को आयोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आयोग की इस मंशा को राजनीतिक दलों तक पहुंचाने का काम जिला कलेक्टरों को दिया गया है, जो प्रदेश भर में राजनीतिक दलों के कर्ता धर्ताओं को इस नियम की जानकारी देंगे। अब जब से आयोग की कही बातें राजनीतिक दलों के कानों तक पहुंची है, वो टेंशन में आ गए हैं। मतलब अभी तक इस नियम का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने से चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों का पूरा कुनबा ही चुनाव प्रचार में जुट जाया करता था। वो पूरे पूरे दिन सिर पर टोपी लगाकर सीने पर राजनीतिक दल का निशान टांगे नारेबाजी करते दिखाई देते थे, लेकिन अब आयोग की सख्ती के आगे राजनीतिक दल परेशान से दिखाई देंगे। राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार के साथ साथ अपनी सभाओं के दौरान कामकाज पर भी नजर रखना होगा। अब यदि किसी राजनीतिक दल ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों का चुनावी इस्तेमाल किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उम्मीदवार को आयोग की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ेगा, सो अलग। ऐसे में जिन जिन राजनीतिक दलों तक ये खबर पहुंच रही है वो भी अलर्ट पर रहने का मूड बना बैठे हैं और कह रहे हैं कि देखना भाई, इस बार बच्चे चुनाव में ना रहे वरना वाट लगना तय है। और अंत में बात करते हैं जनसंपर्क विभाग की। सबसे सुस्त और ढीला यदि कोई सरकारी विभाग है तो वो विभाग है जनसंपर्क विभाग। राजधानी में जरूर विभाग के गलियारों में हलचल दिखाई दे जाती है, लेकिन इंदौर का जनसंपर्क विभाग कितना ही बड़ा आयोजन हो चिर निद्रा में ही दिखाई पड़ता है।
अब बात सरकारी आयोजन यानी लता मंगेशकर अलंकरण समारोह की ही कर ले तो विभाग के कर्ता धर्ता आयोजन के वीआईपी पासे से दबाकर बैठ गए। हालात ये है कि जिन खबरनवीसों को आयोजन का प्रचार प्रसार करना है उन तक भी पासेस नहीं पहुंच पा रहे हैं। विभाग की लापरवाही ऐसी कि जिन पत्रकारों को शासन खुद अधिमान्यता प्रदान कर चुका है उन वरिष्ठ पत्रकारों को तक आयोजन से नहीं जोड़ा गया है। इधर आयोजन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हो रहा है जबकि जनसंपर्क विभाग इसका प्रचार प्रसार ही नहीं कर पा रहा है। 28 बरस से हो रहा है एक अनूठा आयोजन जो केवल एक विभाग की लापरवाही से साल दर साल हाशिए पर जा रहा है। स्वर साम्राज्ञी लता दीदी के नाम से आयोजित लता अलंकरण समारोह मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रहा है। किसी भी आयोजन के फ्लॉप होने के पीछे सबसे पहला कारण यदि गिना जाता है तो आयोजन को लेकर जन जन तक उसका प्रचार प्रसार का न होना। कुछ ऐसा ही हो रहा है लता मंगेशकर अलंकरण समारोह को लेकर। आयोजन को लेकर वीवीआईपी पास, वीआईपी पास और सामान्य पास को लेकर शहर भर में ऐसा हवा बना है कि शहर का आम दर्शक यही नहीं समझ पाता कि इस आयोजन में सुधी दर्शक भी बगैर रोक टोक आ सकता है। आयोजन से आम लोग नदारद हैं और वीआईपी पास की बंदर बांट मची हुई है। आयोजन में केवल सरकारी अफसरों के परिवार ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शहर के ही आयोजन में शहर का आम इंसान नदारद रहा। सामान्य इंसान से पूछा जाए कि वो इतने अच्छे आयोजन में क्यों नहीं आए तो वो सीधे सीधे कह बैठता है, पास नहीं था। इधर जनसंपर्क विभाग है कि ये सूचना ही नहीं पहुंचा पा रहा कि आम लोग बगैर पास के भी आ सकते हैं। आयोजन को लेकर कई जिम्मेदार विभाग लापरवाह बने हुए हैं। सबसे ज्यादा लापरवाही जनसंपर्क विभाग के इंदौर दफ्तर की सुनने को मिल रही है। मीडिया के गलियारों में इंदौर जनसंपर्क कार्यालय के कर्णधारों को जमकर कोसा जा रहा है। जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन के अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकारों इंदौर प्रेस क्लब के चुने हुए प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी से प्रवेश पत्र नहीं भिजवा पा रहे। आयोजन की सफलता के लिए प्रदेश सरकार लाख जतन कर ले लेकिन विभाग में मौजूद अफसर कर्मचारी तो अंधा बांटे रेवड़ी वाली कहावत को चरितार्थ करने में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहे हैं। पास बांटने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी वो पास बांटने के बजाय पासों को दबाने में कुछ ज्यादा रुचि दिखा रहे थे। मीडिया के गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा है कि आयोजन को लेकर इंदौर का जनसंपर्क विभाग संजीदा नहीं है, उसका मीडिया से कोई समन्वय नहीं है। पहले जो अवसर हुआ करते थे वो कम से कम संपादक स्तर के लोगों से आयोजन को लेकर चर्चा भी कर लिया करते थे लेकिन अब वो परंपरा भी टूट सी गई है। ऐसे में इंदौर का जनसंपर्क विभाग केवल रस्म अदायगी के मूड में दिखाई दे रहा है जिसका खामियाजा सरकार के साथ साथ आम लोग भोग रहे हैं। सरकार चाहती है कि आयोजन का प्रचार प्रसार हो लेकिन उन्हीं का विभाग इस काम में कोई रुचि नहीं दिखाता। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।